नोटबंदी का असर केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। भारत के 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों के इस्तेमाल को लेकर नेपाल और इसकी सीमा से सटे इलाकों में लोगों में काफी गुस्सा है, तो वहीं इन लोगों के लिए नेपाल सरकार की ओर से एक और झटका लगा है। नेपाल सरकार ने भारत के 500 और 2000 रुपए के नए नोटों पर रोक लगा दी है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने कहा है कि भारतीय नई करेंसी नोट नेपाल में वैध नहीं है। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नई अधिसूचना जारी नहीं करता, तब तक नए भारतीय नोट एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नेपाल में इन भारतीय करेंसी नोटों के बदलने की कोई अधिसूचना जारी नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। सीमा से सटे इलाकों का पूरा कारोबार ही भारतीय करेंसी में होता है, लिहाजा कारोबार पूरी तरह ठप है। यहाँ रह रहे बाशिंदों को रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीमाई इलाकों के लोगों का इलाज और कामों के लिए भारत आना आम बात है। फिलहाल नोटबंदी ने उन्हें मुश्किल में ला दिया है, क्योंकि भारतीय नोट यहाँ कोई नहीं लेता। ऐसी अधिसूचना के बाद ही विदेशी नागरिकों को एक निश्चित मात्रा में भारतीय करेंसी रखने की अनुमति मिलती है। आपको बता दें कि इससे पहले नेपाल में 500 और 1000 रुपए के नोट प्रतिबंधित थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के बाद ये बैन हटा लिया गया था, जिसके बाद वहाँ के लोगों को 25,000 रुपए तक भारतीय करेंसी के इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। देश में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी नए भारतीय 500 और 2000 के नोटों को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल नेपाल को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का इंतजार है, लेकिन नए नोटों को लेकर हालात सामान्य होने में लंबा वक्त लग सकता है। देखते रहिए टीवी लाइव।